कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट में समाप्त होगी और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने 190 दिनों की पदयात्रा की और इस दौरान 3,300 किलोमीटर उन्होंने पैदल सफर किया। कांग्रेस में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह की परिक्रमा यात्रा आज समाप्त हो गई। नर्मदा नदी के किनारे किनारे हर गांव, हर शहर से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा के दौरान दिग्विजय की पत्नी अमृता राय सिंह हर वक्त उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। दिग्विजय सिंह पदयात्रा के दौरान हर रोज 25 किलोमीटर चलते थे और इस दौरान वे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 120 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जिन जिन जगहों से नर्मदा नदी बहती है उन सभी प्रदेशों में दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा पहुंची। हर जगह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हुए दिग्विजय की पदयात्रा आगे बढ़ती रही। आपको बता दें कि उनकी ये पदयात्रा 30 सितंबर 2017 को नरसिंहपुर के बरमान घाट से ही शुरू हुई थी। यात्रा के समापन के बाद दिग्गी 3 किलोमीटर तक माफी यात्रा भी निकालेंगे। मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारी परिक्रमा का सहयोग किया, समर्थन किया। सबके नाम लेना संभव नहीं है, मैं अपने फेसबुक पर सब लोगों का नाम डालूंगा। नर्मदा परिक्रमा में यहाँ जो परिक्रमा करता है खाली झोली लेके जाता है और भरी झोली लेकर इतना आता है कि हम लोगों को घर में सामान रखने की जगह नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह की पदयात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा चेहरा मंच पर मौजूद था। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं समेत छत्तीसगढ़ के भी नेता परिक्रमा यात्रा के समापन के अवसर पर इकट्ठा हुए। इस दौरान सांसद कमलनाथ ने दिग्विजय की यात्रा को एक तपस्या बताया और जनता से इसी तरह का तप अगले 6 माह में करने को कहा ताकि सभी का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही कमलनाथ ने नर्मदा किनारे वृक्षारोपण की बीजेपी के कार्यक्रम पर भी निशाना साधा। हेलीकॉप्टर से आ रहा था, वो 6 करोड़ पौधे ढूंढ रहा था। हेलीकॉप्टर से 6 करोड़ पौधे ढूंढ रहा था। मैं दिग्विजय सिंह जी आपको सलाम करना चाहता हूं। आप एक पार्टी के उदाहरण नहीं बने पर एक ऐसे सिद्धांतिक नैतिक व्यक्ति के प्रतीक बने जो आज हमारी आन है, हमारी शान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा परिक्रमा यात्रा समापन के खास मौके पर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार की मंत्री उमा भारती को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन उमा भारती ने उन्हें चंपारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में व्यस्त रहने की बात कहते हुए यात्रा में आने में असमर्थता जताई। इसके साथ ही उमा ने दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा की तारीफ भी की है। दिग्विजय ने अपनी इस यात्रा के दौरान नर्मदा के प्रदूषण और अवैध उत्खनन पर चिंता जताई, साथ ही राजनीतिक बयान देने से भी बचते रहे। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर।